हाउस रेवेन्यू कोर्ट में पी चिदम्बरम को गुरुवार को फिर से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चिदम्बरम को ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। चिदम्बरम को ईडी की 7 दिन की हिरासत में 24 अक्टूबर तक के लिए भेजा गया है। बता दें कि कोर्ट ने उनको घर का खाना उपलब्ध कराने, वेस्टर्न टॉयलेट और दवाइयों के इस्तेमाल की हालांकि इजाजत दे दी है। चिदम्बरम को अलग सेल में रखा जाएगा। इससे पहले अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेसी नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की न्यायिक अवधि गुरुवार को बढ़ा दी थी। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में चिदम्बरम की हिरासत बढ़ाई है। ईडी द्वारा दायर आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी सुनवाई हुई। निदेशालय ने चिदम्बरम से पूछताछ के लिए 14 दिन की हिरासत मांगी थी। पी चिदम्बरम को कोर्ट में पेश करने के बाद सीबीआई ने चिदम्बरम की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने हिरासत की अवधि 7 दिन की स्वीकार कर ली है। अदालत ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर भी सुनवाई की जिसमें आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से 14 दिन के लिए हिरासत में पूछताछ की मांग की गई थी। अदालत ने बुधवार को आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदम्बरम के अदालत में हाजिर होने के लिए वारंट जारी किया था। बता दें कि पी चिदम्बरम को ईडी के खान मार्केट के दफ्तर में रखा जाएगा क्योंकि तुगलक रोड थाने के लॉकअप में ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो चिदम्बरम ने मांगी थी, जैसे कि वेस्टर्न टॉयलेट वगैरह। अब चिदम्बरम ईडी के दफ्तर में ही 24 अक्टूबर तक रहेंगे। ईडी दफ्तर के बाहर इसी लिहाज से सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान खान मार्केट में तैनात कर दिए गए हैं। SPN9 न्यूज के लिए मैं भ्रमांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।